हेलो एवरीवन, सो फ्रेंड्स वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। एंड आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेनली 11th ऑफ सितंबर और 12th ऑफ सितंबर के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स हैं उनको। और आपको पता होगा कि इसी तरीके से हम ये करंट अफेयर्स का शो आपके लिए डेली बेसिस पर लेके आते हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपली इन वीडियोज को रोज देखना है पूरा और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को भी नोट डाउन करते चलना है। इसके अलावा आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पर भी वीडियोज जो हम लगातार बेसिस पर डालते हैं, तो आप उनको भी जरूर देखा करें। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास हमारी सारी आने वाली अपकमिंग वीडियोस का भी अपडेट लगातार मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के डिस्कशन को। तो पहला इंपॉर्टेंट अपडेट है कि पीएम मोदी टू इनॉग्रेट 1.75 लाख हाउसेस बिल्ट अंडर पीएमएवाई यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इन एमपी टुडे। तो मध्य प्रदेश के अंदर ये 1.75 लाख हाउसेस का जो है बेसिकली आज इनॉग्रेशन है जो खुद प्राइम मिनिस्टर करने वाले हैं, तो इसी पर बात करते हैं। पीएम मोदी विल इनॉग्रेट 1.75 लाख हाउसेस बिल्ड अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इन मध्य प्रदेश टुडे। जैसे मैंने आपको बताया ही विल आल्सो पार्टिसिपेट इन गृह प्रवेशम, यानी आपको पता है गृह प्रवेश की जो सेरेमनी होती है, कंसीडर्ड ऑस्पिशियस फॉर अ फैमिलीज एंट्री इनटू न्यू हाउस। अगर बात करें जो हाउसिंग फॉर ऑल जो गवर्नमेंट का मिशन है बाय 2022, इसके अंदर अभी तक अगर बात करें तो 1.14 करोड़ हाउसेज बना दिए गए हैं पूरे कंट्री के अंदर। और अगर पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश की बात करें तो इस स्कीम से अब तक 17 लाख पुअर हाउसहोल्ड्स को जो है इसका बेनिफिट इस स्कीम का मिल चुका है। अगर बात करें इसमें जो टारगेट रखा गया है ओवरऑल स्कीम के तहत, तो ईच एक तो देखिए इसके अंदर जितने भी बेनिफिशियरीज है उनको 100% ग्रांट मिलती है ऑफ 1.20 लाख रुपीज विद अ शेयरिंग रेशियो ऑफ 60:40, यानी जो स्टेट और सेंटर का जो शेयरिंग रेशियो है सेंटर और स्टेट का वो 60:40 का है। अगर बात करें जो टारगेट रखा गया है वो है 2.95 करोड़ हाउसेस बनाने का बाय 2022। तो अभी तक अगर बात करें, जैसे मैंने आपको बताया 1.14 करोड़ हाउसेस बना दिए गए हैं पूरी कंट्री के अंदर, और पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो उसमें 17 लाख लोग जो है इस स्कीम से उसका बेनिफिट उठा चुके हैं। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया इसमें 100% आपको ग्रांट मिलती है स्कीम के तहत 1.20 लाख रुपीज की, जिसमें जो सेंट्रल और स्टेट का जो शेयरिंग रेशियो है वो कितना है 60:40। और ओवरऑल मैंने आपको बताया 2.95 करोड़ का जो है वो टारगेट रखा गया है बाय 2022, ठीक है। तो और आज जो है खुद प्राइम मिनिस्टर 1.75 लाख हाउसेस का जो है इनॉग्रेशन करने वाले हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, स्टार्टअप रैंकिंग्स रिलीज की गई है स्टेट वाइज, तो उसमें जो है अगर बात करें गुजरात टॉप पे रहा है स्टेट, जबकि अगर यूटी की बात करें यूनियन टेरिटरीज के अंदर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो इसी के बारे में बात करते हैं। स्टेट ऑफ गुजरात एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैव बीन नेम्ड द बेस्ट परफॉर्मर्स इन द स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग्स 2019, जिसे कल ही रिलीज किया गया है। अगर बात करें किन पैरामीटर्स पर जो है इन सभी स्टेट्स को रैंक किया गया है, सो दे हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन सिंप्लीफाइंग कॉमर्स, एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी एंड लीवरेजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा बेस्ट आपको पूरा एक तरीके से अगर बात करें तो एनवायरमेंट प्रोवाइड करती है ताकि आप वहां पे बिजनेस सेटअप कर सके या एनहांस कर सके अपनी प्रोडक्टिविटी को या टेक्नोलॉजी को। तो अगर बात करें स्टेट में, अगर बात करें तो पहले नंबर पर गुजरात रहा है, जबकि अगर यूटी में बात करें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और इसके अलावा भी देखिए कुछ और रैंकिंग्स भी है जिसमें कर्नाटका और केरला टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स रहे हैं इन द स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग फॉर फोस्टरिंग इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप टू अट्रैक्ट बिजनेस एंड फाइनेंस। इसके अलावा अगर बात करें तो एमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम्स में जिस स्टेट्स को रैंक किया गया वो है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, तमिलनाडु, असम, दिल्ली, मध्य प्रदेश, सिक्किम एंड उत्तर प्रदेश आर द एमर्जिंग, जो मतलब आगे चल के आपको देखने को मिलेंगे वहां पे काफी सारे स्टार्टअप्स, तो इन स्टेट्स को उसमें रैंक किया गया। जबकि वैसे अगर बात करें ओवरऑल पहले नंबर पर कौन सा स्टेट रहा है तो गुजरात, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स है, आप इसे जरूर नोट डाउन कर लें इन सभी स्टेट्स का नाम, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो रैंकिंग्स कौन सी की गई है, स्टार्टअप रैंकिंग, यानी जो स्टार्टअप जो नया बिजनेस जो खोलते हैं, जो स्टार्ट करते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी की फील्ड में किसी भी लाइन में जो नए बिजनेसिस होते हैं उन्हें स्टार्टअप कहते हैं। तो कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा इन्हें प्रमोट करते हैं, एनहांस करते हैं इन स्टार्टअप्स को, तो इस बेसिस पर सभी स्टेट्स को रैंक किया गया था, जिसमें पहले नंबर पर गुजरात और यूनियन टेरिटरीज में अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो उसके विजुअल्स है जब इन रैंकिंग्स को रिलीज किया गया था, खुद कॉमर्स मिनिस्टर जो है मिस्टर पीयूष गोयल, अपन को देख सकते हैं बीच में। आगे बात करते हैं, संतोष गंगवार एड्रेसेस वर्चुअल मीटिंग ऑफ G20 लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स, ठीक है। आपको पता है इस टाइम पे जो लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर कौन है, मिस्टर संतोष गंगवार, उन्होंने वर्चुअल मीटिंग को एड्रेस किया है ऑफ G20 लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स की। इसी पर बात करते हैं,
सो द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मिस्टर संतोष गंगवार हैज कॉल्ड अपॉन ऑल G20 मेंबर्स टू कंटिन्यू टू वर्क टुगेदर फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू द कॉमन प्रॉब्लम्स रिजल्टिंग फ्रॉम द COVID-19 पेंडेमिक। आपको देखिए ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज जो है इस COVID-19 से अफेक्टेड है, वहां पे एक तो बहुत सारे लोगों की नौकरी भी गई है, चाहे वो लेबर इशू हो एम्प्लॉयमेंट इशू हो, तो इसको लेके जो है G20 मीटिंग रखी गई थी वर्चुअली। अगर बात करें, मिस्टर गंगवार वाज स्पीकिंग एट वर्चुअल मीटिंग ऑफ G20 लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और खुद उन्होंने कहा है कि ही अंडरलाइन दैट टू मिटिगेट द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्कर्स इंडिया एनकरेज इट्स एम्प्लॉयर्स फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस टू देयर वर्कर्स। तो देखिए इसको लेके मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये रिक्वेस्ट की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा कि जितने भी एम्प्लॉयर्स है वो इन लॉकडाउन के टाइम अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देते रहे, और बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ने देखिए दी भी है, ठीक है, चाहे कुछ ने कम भी दी हो लेकिन ऑलमोस्ट सभी ने कह सकते हैं दी है, ठीक है। और आगे भी अगर बात करें तो मिस्टर गंगवार एडिड दैट एडिक्वेट अरेंजमेंट्स वर मेड टू प्रोवाइड टेम्परेरी शेल्टर्स फूड एंड मेडिकल फैसिलिटीज टू द माइग्रेंट लेबर्स। और जो भी लोग देखे माइग्रेंट लेबर्स अपने अपने स्टेट में आपको पता है वापस लौटे हैं, उनके लिए आपको पता है एक तो टेम्परेरी शेल्टर का अरेंजमेंट किया गया था, फूड मेडिकल फैसिलिटी, और इसके अलावा उनके लिए स्पेशल जो श्रमिक ट्रेन चलाई गई थी जिनके थ्रू उनको वापस घर भेजा गया था। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया ये भी उन्होंने कहा कि कोशिश की गई गवर्नमेंट के द्वारा कि जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं वो इस लॉकडाउन पीरियड में अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे, और उनको कम से कम, मतलब अगर बात करें रिट्रेंचमेंट की तो कम से कम रिट्रेंचमेंट हो, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने एनकरेज किया था सभी एम्प्लॉयर्स को। और ये G20 की वर्चुअल मीटिंग रखी गई थी जिसमें सभी लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट इसमें किया था, ठीक है। आगे बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस कर दिया है यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर ऑल रेजिडेंट्स ऑफ यूटी। तो जितने भी जम्मू एंड कश्मीर यूटी में रहने वाले लोग हैं उनके लिए यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम अनाउंस की गई है। तो इसमें क्या प्रोविजन है इसी पर बात कर लेते हैं। सो द जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैज अनाउंस्ड अ स्कीम टू प्रोवाइड यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस टू ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी। स्कीम के अंदर बेसिकली इट विल प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस कवर फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल रेजिडेंट्स एंड शैल इंक्लूड द सर्विंग एंड रिटायर्ड एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिलीज एज वेल। तो इसमें सभी को देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा जितने भी रेजिडेंट्स है, और इसके अंदर जितने भी सर्विंग और रिटायर्ड एम्प्लॉयज है वो भी इनको इसमें इंक्लूड रखा गया है। अगर बात करें इसी जम्मू एंड कश्मीर हेल्थ स्कीम के बारे में तो इट विल प्रोवाइड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज टू नियरली 70 लाख रेजिडेंट्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी हु आर नॉट कवर्ड अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम। तो जो लोग आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर कवर्ड नहीं है उनको, उन ऐसे 70 लाख रेजिडेंट्स को जो है स्कीम का, इस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का फायदा मिलेगा। देखिए जहां तक इसके बेनिफिट्स की बात है तो वो लगभग सेम ही है जो आयुष्मान भारत के हैं, जिसमें आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिल जाता है किसी भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल जो कि स्कीम से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये एक स्कीम अनाउंस की गई है हेल्थ इंश्योरेंस की। अब यहाँ पे देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मनोज सिन्हा, उनकी फोटो। और आखिरी आज का हमारा अपडेट है वो है, आपने आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा कि जो आर्य समाज के लीडर रह चुके सोशल एक्टिविस्ट मिस्टर स्वामी अग्निवेश, उनकी देखिए कल डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली, तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं। सो आर्य समाज लीडर एंड सोशल एक्टिविस्ट स्वामी अग्निवेश पास्ड अवे एट द इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज ILBS इन न्यू दिल्ली। कल ही देखिए उनकी डेथ हुई थी, एंड उनकी जहां तक एज की बात है तो वो 80 ईयर्स के थे। अगर बात करें, स्वामी अग्निवेश वाज सफरिंग फ्रॉम लीवर किरोसिस एंड वाज क्रिटिकली इल एंड ऑन वेंटिलेटरी सपोर्ट ड्यू टू मल्टी ऑर्गन फेलियर। तो उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था और उनकी जो कंडीशन थी वो काफी क्रिटिकल थी, और जिसके बाद जो है कल उनकी डेथ हो गई। अगर बात करें तो देखिए ये हरियाणा की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी रह चुके हैं 1977, और कैबिनेट मिनिस्टर इन्हें बनाया गया था फॉर एजुकेशन इन 1979। इसके अलावा देखिए उन्होंने बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट भी इसको फाउंड किया था इन 1981 एंड वर्कड अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, ठीक है ना। तो बॉन्डेड लेबर के अगेंस्ट भी इन्होंने काफी काम किया है, और इसके अलावा एल्कोहलिज्म के अगेंस्ट, ठीक है ना, तो जो शराब होते हैं उसके भी अगेंस्ट इन्होंने काफी मूवमेंट चलाए थे। इसके अलावा देखिए प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं ऑफ सर्वादेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, जो कि वर्ल्ड काउंसिल है आर्य समाज की, उसके ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। और इसके अलावा इन्होंने बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट भी खोला था 1981 में, क्योंकि ये बॉन्डेड लेबर के अगेंस्ट इन्होंने काफी कैंपेन चलाए और एल्कोहल के भी, ठीक है। और उनकी कल अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी फोटो भी। और ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और इसके अलावा कल यानी संडे को देखिए हम आपके साथ पूरे इस वीक के करंट अफेयर्स को क्विज की फॉर्म में यानी MCQ वाइज भी लेके आएंगे, ताकि आपको एक आइडिया भी लगे कि कैसे क्वेश्चंस जो है वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट जरूर करें जो कि है takshilalearning.com, जहां पर देखिए अभी हम बैंकिंग और SSC के लिए पूरे एक साल का आपको पर्सनलाइज कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है इन एग्जाम्स को क्रैक कर लें। इसके लिए आपको पूरा वीडियो कोर्स के अलावा लाइव क्लासेस भी हम वीकली बेसिस पे कंडक्ट करते हैं, ताकि आप अपने डाउट्स को, टॉपिक्स को हम
लाइफ सॉल्व कर सके। इसके अलावा भी ऑनलाइन फॉर्म में ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, 1-to-1 व्हाट्सएप ग्रुप ताकि आप कोऑर्डिनेट कर सके व्हाट्सएप के थ्रू भी, ठीक है। तो ये सब आपको मिलेगा। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट जा सकते हैं तक्षशिला लर्निंग पे, और हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पी प्रेपअप को तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर भी हम काफी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज आपके लिए टाइम टू टाइम डालते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अलॉट। Thank you.